हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने यहाँ पे डीएलएड की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स रीजनिंग के ऊपर एंड मैथ्स के लेक्चर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे वो आपका रहेगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे भी हम इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने कुछ चीजें बताई थी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस में हमको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये बात क्लियर थी पहले लेक्चर से कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक आपको भी वो क्लियर होगा, बट जो शुरुआत है हम शुरुआत से फिर डिफिकल्टी लेवल की ओर को बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूं, तो वो क्वेश्चन आपका है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक साधारण ब्याज। मैंने यहां पे बोला कि हम कौन से क्वेश्चन यहां डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट के। तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे मूलधन की बात करूं, अगर मैं उसको यहां पे पी से डिनोट करूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात मैं करूं आर से, राइट, और टाइम को अगर मैं कैपिटल टी से यहां पे डिनोट करूं, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, पी आर टी अपॉन 100, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको बोला है जो आपका अमाउंट था, अमाउंट कितना था आपका पी, वो कितना हो गया, दुगना हो गया। यानी ये जो मैं यहां पे आपको एक चीज बोल रहा हूं, ये अमाउंट है और जो यहां पे आपका पी है वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका पी था इनिशियल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया ऐसा ही, तो फाइनली जब आप पी में ऐसा ही को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट आपके पास आने वाला है। क्योंकि जब आप किसी को कोई रुपए उधार देते हो तो हम इतने सीधे तो है नहीं कि जितना हमने उसको दिया है उतना ही सिर्फ वापस लेंगे, वरना हमारा उस अमाउंट को किसी और बंदे को देने का फायदा क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो वो फायदा हमारा क्या होता है, ऐसा ही। तो जितना मान लो हमने पैसा किसी को दिया है और उसमें कुछ हमको एडिशनल अमाउंट मिल रहा है, तो बाद में जो एडिशनल अमाउंट को मैं उस एडिशनल अमाउंट में मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो मुझे वहां पे अमाउंट मिल जाता है, राइट। ओके, अब डायरेक्टली क्वेश्चन की बात कर लें यहां पे, तो यहां पे आपका जो ए है अमाउंट है वो दुगना हो जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 12%, राइट, और आपको बताना है कि कितने टाइम बाद वो दुगना हो रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब जब अमाउंट, जैसे हमने पढ़ा अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई, ठीक हो गया, तो यहां से अगर मैं एसआई की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। तो आपका यहां पे प्रिंसिपल कितना है पी, और जो आपका अमाउंट है वो दुगना हो जा रहा है, यानी पी का कितना हो गया 2p हो गया। तो जब मैं यहां से एसआई कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2p माइनस पी, यानी एसआई कितना आ गया आपका पी। बस आप इन चीजों को आप सीधे फॉर्मूले पुट कीजिए और सीधे आपका आंसर यहां पे निकलने वाला है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एसआई किसके इक्वल आ गया, प्रिंसिपल के इक्वल, एंड एसआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां से आपका जो वैल्यू यहां पे कैलकुलेट होके आएगा, एसआई आपका पी के इक्वल है, फिर पी, फिर 12% ही हो गया, टाइम आपको निकालना है, बस बात खत्म, पी से भी कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया, 100 इज इक्वल्स टू 12 इंटू टी, और 100 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू टाइम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 अपॉन 12 आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 8 जाए 96, राइट, 12 8 जाए 96, फिर 4 बच गया अपॉन 12, ये आपका टाइम निकल के आ गया किसमें, ईयर में, जो आपको यहां पे ऑप्शन गिवन है, कुछ ईयर कंप्लीट गिवन है और यहां पे आपको मंथ में भी ऑप्शन गिवन है। तो आप एक काम करो, जितनी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 8 साल तो पूरे पूरे हो गए, प्लस जो 4/12 ईयर है इसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यानी कि मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब ये चीज किसमें हो जाएगी, मंथ में। तो अब 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 4 मंथ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 साल 4 महीने, यानी 8 ईयर कंप्लीट और बाद के 4 मंथ। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शन चेक करूं इसका, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8 वर्ष 4 माह। अब यहां पर सीधे सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए एक चीज आपको यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि जितना आप कैलकुलेशन में फास्ट होंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, राइट। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट वीक है तो आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप ये इन क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं कि इसमें आपको टाइम नहीं लेना है।
सेकंड क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, अपने से 8/5 गुना हो जाता है, राइट? यानी आपका अमाउंट हो गया या आपका प्रिंसिपल हो गया, तो आप अगर यहां से आप ऐसा ही कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 8/5 टाइम ऑफ पी माइनस पी, यानी कि आपका आ जाएगा 3/5 पी। पूरा खेल कैलकुलेशन का है, तो इसी ध्यान देना आप कि जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओ उतना अच्छा है आपके लिए। तो जो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी उससे मैंने ये चीज यहां पे निकाल दी। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो ब्याज की दर है, यानी आपको यहां पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष, यानी 5 ईयर, राइट? तो देखिए, SI is equals to P into R into T upon 100। आप खाली यहां पे वैल्यू पुट करो, SI की वैल्यू कितनी होगी आपका 3/5 ऑफ P into, ये is equals to P into R, आपको निकालना है टाइम 5 वर्ष आपको दे रखा है, अपॉन 100। तो देखिए P से P कैंसिल हुआ, 5/100 को मैंने सॉल्व किया तो 1/20 आया, तो आपका आंसर कितना गया, 3/5 into 20 is equals to R, 5, 4, 20, यानी R की वैल्यू आपकी आ गई 12%। तो कितने टाइम बाद वो 8/5 गुना हो रहा है और किस रेट से हो रहा है, 12% के रेट से वो कितना हो जा रहा है, 8/5 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपका आंसर कितना आ गया यहां पे, ये आपका क्वेश्चन था यहां पे सेकंड, और हमारा आंसर आया 12, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का है, तो प्लीज फोकस ऑन कैलकुलेशन फर्स्ट, अगर वो अच्छा नहीं है तो टाइम लगेगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब एक बहुत ही लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको बहुत जल्दी कर रहे हैं। जैसे मैं आप एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 साल में 1012 हो जा रही है, 2.5 साल में 1012 राशि हो जा रही है, राशि कुछ रही होगी मान लो पी, और 2.5 साल के बाद उसमें जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इस सिंपल इंटरेस्ट को जब आप इसमें ऐड कर दोगे प्रिंसिपल में, तो आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1012। यानी अगर मैं यहां पे वैल्यू बोलूं a इज इक्वल टू p प्लस si और यहां पे कुछ अरेंजमेंट बना के इसको सॉल्व करूं, तो इसको मैं यहां पे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूं, p प्लस si की वैल्यू p इंटू r इंटू t अपॉन 100, राइट? तो यहां पे आप बोल सकते हो इस चीज को, थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे तो उसने क्या बोला है, कोई धनराशि आपकी 2.5 साल में 1012 हो जा रही है, तो मतलब कितना है, ये आपका 1012 इज इक्वल टू पी, क्योंकि आपको धनराशि मालूम नहीं है, प्लस पी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है आपको, सिर्फ टाइम उसने दिया हुआ है, टाइम कितना दे रखा है उसने, 2.5 साल में, यानी 2 × 4 + 1 यानी 5/2, तो ये आपका कितना गया, 5/2 और इंटू तो 100 आपका रहेगा रहेगा। तो एक आपकी इक्वेशन यहां पर बन गई। दूसरी इक्वेशन की यहां पर बात कर लें, उसने क्या बोला है, उसके बाद तथा 4 वर्ष में वही धनराशि 1067.20 हो जाती है, तो यानी अब 4 साल की बात की है उसने, धनराशि आपका वही रहेगी पी, तो अमाउंट आपका कितना हो जा रहा है, 1067, यानी 1067.20 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू, टाइम आपको दे रखा है 4 साल अपॉन 100, और ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो बस आपको उसके बाद उसने पूछ लिया क्वेश्चन में, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, यानी वो किसकी बात कर रहे हैं आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि आर कितना आएगा, कितना परसेंट होगा, ये आपको यहां पे बताना है। तो आप कुछ मत ध्यान दो, अब आपको 2 इक्वेशन मिल चुकी है, बाकी सारा मैं यहां पे जो डाटा है हटा दे रहा हूं यहां से, आपको सिर्फ मतलब है इन 2 इक्वेशन से। तो देखिए, एक इक्वेशन है आपकी 1012 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर PR into 5 upon 200, और दूसरी इक्वेशन है 1067.20 equals to P plus P into R into 4 upon 100। तो जब मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, बहुत जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपका कितना आएगा, 0.20, 7 में से 2 गया आपका 5 यहां बच गया, एंड 6 में से 1 गया 5, बाकी आपका सारा 0 हो गया, P से P कैंसिल हो गया, क्योंकि जब माइनस करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये आपका बचा 4 PR अपॉन 100 माइनस 5 PR अपॉन 100, राइट, अपॉन 200।
थोड़ा सा एलसीएम लेके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका 200 आ गया, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8PR माइनस 5PR अपॉन 200, और ये आपका आ गया 55.20। बस यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाली है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका ये 55.20 इज इक्वल टू 3PR अपॉन 200, और 3 से शायद ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, फिर ये आपका हो गया 25, 3 8 24, देन 12, 3 4 12, ओके तो ये आपका आ गया 18.40 इज इक्वल टू PR अपॉन 200। तो मुझे यहां से PR की वैल्यू मिल गई 18.40 इंटू 200, बट मुझे निकालना क्या है, सिर्फ मुझे R में इंटरेस्टेड हूं मैं, मुझे खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको ध्यान ही देना कि आप P कैसे निकाल सकते हो। तो एक काम करो आप, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब आप नॉर्मली देखो, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे इरेज कर रहा हूं, आप क्या करो इस PR की वैल्यू यहां पुट कर दो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन नहीं है। तो देखो जब फर्स्ट इक्वेशन में PR की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा आने वाला है यहां से P की वैल्यू, तो PR की वैल्यू आपने कितनी निकाली 18.40 इंटू 200 इंटू 5 अपॉन 2, नीचे सीधे आप सॉल्व करके लिख दो 200, तो 200 से 200 आपका कैंसिल हो गया। प्लीज यहां पे ये चीज आप नोट कीजिए कि आपको ये चीजें बहुत ही क्विक करनी है, इतना टाइम आपको नहीं लेना जितना टाइम मैं भी ले रहा हूं। तो देखो कितना हो गया है आपका 1012 इज इक्वल टू पी प्लस इस 18.40 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 5 4 20 कैरी 2, 5 8 40 42 कैरी 4, 5 5 4 9, और फिर 2 पॉइंट यानी 92, राइट। तो यहां पे आपको मिल गया 1012 माइनस 92 इज इक्वल टू पी, तो ये आपका आ जाएगा यहां पे 0 एंड आपका 11 से 9 गया 2 एंड यहां पे बचा आपका 9, तो 920 इज इक्वल टू पी, तो यहां पे आपकी पी की वैल्यू कितनी आ गई 920 रुपीज। अब पी की वैल्यू आप जब यहां पुट कर देंगे 920, मतलब यहां से आप डायरेक्टली मैं आर निकालूं तो आपका हो गया 18.40 इंटू 200 अपॉन में आपका आ गया 920, अब पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाएंगे तो यहां पे आपका बच गया 2, और 920 टू जा 1840, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 4%। देखिए बहुत ही क्विक आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये चीज तो आप यहां पे जान लीजिए, वरना आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो उसने हमसे पूछा क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम यहां पे निकाल चुके हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 4%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 टाइम होगा, कितने समय में 8% यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया यहां पे 8% का, उसके बाद आपको बोल दिया मूलधन आप यहां पे पी लेट कर लो, और सिंपल इंटरेस्ट यानी आपने उसने बोला हुआ है जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 2/5 टाइम होगा, कितने समय में, यानी आपको टी की वैल्यू इसने पूछ दी है कि टी कितना आने वाला है, तो हम टी को हमें यहां पे निकालना है, तो करने क्या वाले हैं एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मूला सिर्फ यही यूज होना है, एस आई की वैल्यू कितनी होगी 2/5 टाइम ऑफ पी, देन ये आपका पी और ये आपका आर की वैल्यू यहां पे 8 दे रखी है और टाइम आपको निकालना है, तो देखिए पी से भी कैंसिल हो गया, 2/5 इंटू 100 आप करोगे एंड आपका यहां पे 80 हो जाएगा, 5 2 20 यानी 20 2 40 इज इक्वल टू 80 एंड 8 5 40 यानी टाइम कितना आ गया 5 साल, यानी जो आपकी वैल्यू आई है निकल के वो ईयर में आपके निकल के आ गई 5 साल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप के यहां पे देखने को मिलेंगे, तो जो मैं यहां पे आपको जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट था उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप फेस करोगे डीएलएड एग्जाम में वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो आपका रिलेटेड होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।